In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Welcome back again with another lecture. This is Kashif Rashid and you are watching my YouTube channel. I warmly welcome to all of you. Dear students, today inshallah, we are going to start our next lesson of book 2, part 1, that is modern prose. So let's begin. Lesson number 2, using the scientific method. It's written by Daryl Barnard and Lon Edwards. This lesson is basically about the using of scientific method in our daily life. According to writer, without using the scientific method, our life would be dull and drab. I'm going to tell you the summary of this lesson in Urdu to make it further easy in order to comprehend. Lesson ke shuru mein writer hame batata hai ki hum mein se har koi zindagi ke mukhtalif shobon mein sciencey tareeka kar ko istemal karte hue fayda jo hai wo uthata aa raha hai, chahe wo shoba jo hai sehat ka ho, khuraak ka ho, कंस्ट्रक्शन का हो या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का शोबा हो। इसके बाद मुसन्नफ कहता है कि अगरचे हम साइंसी तरीक़ाकार से मुस्तफीद तो हो रहे हैं, लेकिन हमें इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत कम खौफजदा और ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। इस सबक से हमें मालूम होगा कि किस तरह हम अपनी रोज़मर्रा के रहन सहन में साइंसी तरीक़ाकार को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बात अगर हमारी बीमारी की रोकथाम से मुतल्लक हो, तो हम आज से 200 साल पहले अगर गैर मामूली बच्चे के तौर पर एक साल से ऊपर ज़िंदा रह जाते तो 6 साल, 12 साल या फिर हम कह सकते हैं कि सारी ज़िंदगी जो है हमें बीमारियों के साथ लड़ना पड़ता, जिसमें छींचक, खसरा, काली खांसी, स्कॉलर फेवर और दूसरी बहुत सी बीमारियां जो है वो शामिल हैं। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंसी तरीक़ाकार ने कैसे हमारी बीमारियों की रोकथाम में मदद की है, वो हम इस सबक में इंशाअल्लाह जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात जो है वो सफाई के हालात की जाए, तो हम देख सकते हैं कि साइंस की बदौलत आज गलियां और नालियां जो है वो पक्की हो गई हैं। शहरों में गंदे पानी के निकास का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा है। अब लोग जानते हैं कि गंदगी जो है वो कई अमराज का जो है वो बायस बन सकती है। 100 साल पहले लोगों को पीने और नहाने के लिए पानी जो है वो आसानी से दस्तयाब जो है वो नहीं था। लोग दूर दराज इलाकों से पानी जो है वो भर के लाते थे। पानी जो है वो कफायशारी से जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। साइंस ने इस मसला को भी हल कर दिया है और अब जो है हम ताज़ा और वाफर पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर मोर फूड और बेटर फूड पर बात की जाए, तो साइंसी तरीक़ाकार ने हमारी खुराक की किल्लत का जो मसला था उसको भी हल कर दिया है। अब साइंस की बदौलत हम पूरा साल मुख्तलिफ किस्म की ग़ज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब इंसान खुराक को महफूज करने के जदीद जो तरीके हैं उनसे आशना हो चुका है। इंसान अपनी ग़िज़ा को डब्बों में बंद करके दूध, अंडों और फलों को खुशक करके जो है इन्हें महफूज कर लेता है। इसके बाद जो है अगर बेटर एटीट्यूड के ऊपर जो बहस है उसकी बात की जाए, तो साइंस ने इंसान की जो सोच है उसको बदल दिया है। दौरे जदीद के जो लोग हैं वो तोहम परस्ती और बेजा जो खौफ था उससे पीछा जो है वो छुड़ा चुके हैं। वह अब हालात वाक़ियात को जो है
अकल के पैमाने के ऊपर परखते हैं। साइंस की बदौलत इंसान अब फितरत के जो असरार थे उनको समझ चुका है। कदीम ज़माने में लोग जो है वो तोहम परस्त थे, वो बीमारी और मुसीबत से बचाव के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो तावीज़ और धागे जो है वो पहनते थे, मगर आज का इंसान जो है इन बातों पर यकीन जो है वो नहीं रखता। वो जानता है कि हर वाक़या का कोई ना कोई सबब होता है, कोई ना कोई वजह होती है। अब लोग काली बिल्ली, शीशों के टूटने और टेढ़ा के अदद से खौफ नहीं खाते, और अब लोगों ने अपने ख्यालात को बदल लिया है और उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली आई है। तो ये सारा कुछ जो है हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे, एंड दैट वाज द शॉर्ट समरी ऑफ लेसन इन उर्दू। नाउ नेक्स्ट विल बी इंशाल्लाह द रीडिंग ऑफ टेक्स्ट विद ट्रांसलेशन एंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड सिनोनिम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।